नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और ये तस्वीरें शिमला सचिवालय के बाहर की है, जहां पर दृष्टिहीन संघ कल से लेकर जो है वो धरने पर है। कल चक्का जाम भी किया गया था और उसके बाद से अब कल से लेकर यहां पर ये बैठे हुए हैं और मांग हो रही है कि बैकलॉग की जो इनकी भर्तियां पेंडिंग पड़ी है, विभिन्न विभागों में जो पद खाली चल रहे हैं उनको भरा जाए। और ये देखिए तस्वीर आप देख ही रहे हैं, नारेबाजी सरकार के खिलाफ की जा रही है। सरकार से अभी तक कोई वार्ता नहीं हो पाई है। पिछले लगभग 362 आप कह सकते हैं, या एक साल ही कह लीजिए, क्योंकि 365 दिन का एक साल होता है, 101 साल से ये शिमला में बैठे हैं। और मांग की जा रही है कि जो पद खाली पड़े हैं, इनके कोटे के जो पद हैं, उन्हें सरकार जो है वो तुरंत भरे। सरकार उसमें क्यों देरी कर रही है, क्यों लटकाया जा रहा है? और इसी मांग को लेकर ये कल भी यहाँ पर पहुंचे थे और कल से लेकर ये यहाँ पर डटे हुए हैं। कल चक्का जाम भी थोड़ी देर के लिए किया गया, लेकिन उसके बाद इनको यहाँ ठीक थाने के पास जो है वो एक जगह दे दी गई है, जहाँ पर ये बैठे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी, तब तक ये यहाँ पर ऐसे ही डटे रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए पिछले लंबे अरसे से भर्तियां नहीं हो पाई हैं और जो भर्तियां हुई हैं वो कछुए की रफ्तार से चल रही है, इस तरह का इनका कहना है। ये देखिए भाई। हमें 24 घंटे हो चुके हैं और हम कल भी पूरी रात यहीं बैठे रहे, जितने भी हमारे किसी साथी है पूरी रात यहीं बैठे रहे और ये इसी तरह चलता रहेगा 31 तारीख तक। अगर उससे पहले हमें कुछ लेबर की कोई भी बैठक मिलती है, हम बैठक भी अब नहीं मानेंगे। सरकार के साथ हम कोई भी बैठक अब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें एक साल हो चुका है। हम ओनली अब ज्वाइनिंग लेटर चाहते हैं, वो भी संविधान द्वारा हमें जो अधिकार दिया गया है। बैकलॉग का कोटा जितना भी सरकार के पास है, हम इनके लिए अब मीटिंग का भी कोई टाइम नहीं देते हैं। हम ओनली इनसे अब ज्वाइनिंग लेटर मांगते हैं, वो भी यहाँ ग्राउंड जीरो में आके देना होगा। बैकलॉग भर्तियों के अलावा भी क्या डिमांड आप अभी रख रहे हैं? जैसे पिछली बार आए थे तो कई डिमांड आपने गिनवाई, उनमें से क्या कोई पूरी अभी तक हो पाई है? कोई भी डिमांड पूरी नहीं हो रही, जब सरकार बात करने को ही राजी नहीं है। कहाँ होती है सुखविंदर जी का सुकून की आप पिछली बार बयान आता है, बोला अगर आप सड़कों पे यूं ही डटे रहोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सड़कों पे बैठ के कुछ नहीं देना चाहते, कम से कम मीटिंग तो की दीजिए। एक साल हो गया, हर विभाग के लिए अभी भी दिवाली में वो कुछ न कुछ तोहफा दे रहे हैं। और हम तो श्री से दिव्यांग है, ऑटो सहायता की डेट में आती है, सुकूची मन से भी दिव्यांग हो चुके हैं, उनके लिए शर्म की बात है। ऐसी सीएम हम पहली बार अपने इतिहास में देख रहे हैं, हिमाचल के इतिहास में देख रहे हैं। सुकूची पूरी तरह से तानाशाही हमारे साथ कर रहे हैं और हमारे साथ जो जबरदस्ती भी होती है, किसी के चोट लग जाती है, किसी के कपड़े फट जाते हैं, हम जाएं तो कहां जाएं? प्रदेश सरकार को शर्म नहीं आ रही है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो कि बिना किसी भेदभाव से सरकार को हमें देना चाहिए। 31 के तक आपने अल्टीमेटम दिया है कि 31 तक अगर नहीं देते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे? 31 के बाद जी, अगर 31 के बाद भी नहीं देते हैं तो उसके बाद हम जितने भी साथी है हम मरण अनशन पे बैठ जाएंगे। हम अन का एक भी दाना अंदर नहीं लेंगे, सब जितने भी साथी हमारे हम मरण अनशन शुरू कर लेंगे। अभी तक हमारा क्रमिक अनशन चला है बारी बारी से, उसके बाद हम मरण अनशन शुरू कर लेंगे। जब तक हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता है, अब हम सरकार की मीटिंग ड्यूटी करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें एक साल होती है, एक साल में ना कोई मीटिंग हुई, ओनली मिट्टी गोली और मिट्टी आश्वासन मिले। आश्वासन हम अब चाहते नहीं है, हम सिर्फ भर्ती में लटाते हैं और ज्वाइनिंग लेटर ग्राउंड जीरो पे जाते हैं। मुख्यमंत्री से आपकी एक बार भी बात नहीं हुई अभी तक? मुख्यमंत्री से हमारी एक बार बात, दो बार बात हुई थी, एक 24 जुलाई को उन्होंने हमसे ये कहा कि सड़कों पे बैठ के कुछ नहीं होता है,
मैं तुम्हारे अधिकार तुम्हें नहीं दूंगा। उन्होंने ये कहा हमें कुओं के सामने। फिर भी उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को किपी में तुम्हें एक मीटिंग देता हूँ। 5 सितंबर को जब हम उनसे मिलने विधानसभा गए, उन्होंने वहाँ हमारे डिमांड चार्टरी पालने से इनकार कर दिया और हमसे कहा कि ये बैकलॉग का कोटा क्या होता है, और उन्होंने हमारा बैकलॉग का कोटा का डिमांड चार्टर भी धटकार दिया और हमें भी वहाँ से विधानसभा से बाहर निकाल दिया। और उनके पास एक महिला मंडल तो ही रामपुर से मिलने आया था, जो महिला मंडल 15 लेडीज है वो मिलने आई थी। उन 15 का 15 लेडीज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह मेरी जान पहचान है। उनकी उन्हें हर डिमांडे मानी, हमारे सामने मानी। हम 3 दिव्यांगजन वहाँ से मिलने गए थे अपने कालीबाड़ी धरना स्थल से, लेकिन हमारे साथ उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया और हमारा जो डिमांड चार्टर वो हमारे मुंह पे मारा और हमें निराशा ही उस दिन भी हाथ लगी थी। तो क्या लग रहा है सरकार क्यों आपकी बात जो है वो सुन नहीं रही है? लंबे अरसे से आप संघर्ष कर रहे हैं, कितने पोस्ट जो है वो खाली है और कितने टाइम से भर्ती नहीं हुई? देखो जी, जो भर्ती मेरे की बात कर रहे हैं, हम बैकलॉग की बात कर रहे हैं, ये 1995 से अभी तक बड़े बड़े विभाग जैसे हो गए, पीडब्ल्यू विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, इत्यादि जो भी बड़े बड़े विभाग है उसमें कम से कम हमारी हजारों के हिसाब से पोस्टें हैं। उनकी पोस्टें यूं ही बैकलॉग का कोटा यूं ही खड़ा रहेगा, लेकिन अगर वो भर्ती मेला भी हमें देते हैं, हमारे साथी तो 700 लोग हैं, तीसरी पार्टी तो लोग हैं 700 लोग हैं, अगर 700 लोगों को वो क्लास 3 की कुछ पोस्टें देते हैं, क्लास 4 की कुछ पोस्टें देती है, उसके बाद भी हमारा बैकलॉग का कोटा सरकार के पास बचता है। और ये भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? हम इसका जवाब तो आरटीओ सुकू जी, धनी राम शांडिल जी और वेलफेयर के जो ऊंचे अधिकारी है वही हमसे बेहतर दे पाएंगे, क्यों नहीं वो हमारी डिमांडों को पूरी कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि पिछले कल भी इनकी ओर से कहा जा रहा था, मुख्यमंत्री तो देखिए लंबे अरसे से भर्तियां नहीं हो पाई है और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर ये डटे हुए हैं, बार बार मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक जो है वो सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके कारण ये यहाँ पर डटे हुए हैं। 31 अक्टूबर तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक वो इनसे बातचीत करें, इनको नियुक्ति पत्र जो है वो जारी करें, तभी ये अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसको ख़त्म करेंगे, अन्यथा ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा और इसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा, आमरण अनशन की तरफ जो है ये आंदोलन अब बढ़ेगा, क्योंकि क्रमिक अनशन पर पिछले एक साल से बैठे हैं, अब आमरण अनशन की तरफ जो है आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, इस तरह का इनका साफ तौर पर कहना है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लंबे अरसे से ये डटे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, ताजा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब के श्री हिमाचल के साथ।